शिवपुरी नगर पालिका की वार्ड क्रमांक 11 की भाजपा पार्षद और टीआईसी सदस्य पूनम बघेल ने आज नगर पालिका पहुंचकर नगर पालिका के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। पार्षद का कहना था कि सत्ता पक्ष के पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो जनता की क्या सुनवाई होती होगी यहाँ पर। मेरे वार्ड के पानी की मोटर खराब पड़ी है, जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही, रोडों की स्थिति भी बहुत खराब है, जिसको लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को भी कई बार सूचित कर चुके हैं, लेकिन नगर पालिका में सुनवाई नहीं हो रही है। जब वो वार्ड की समस्याओं के लिए सीएमओ को फोन लगाते हैं तो सीएमओ द्वारा फोन नहीं उठाया जाता। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या मामले को लेकर बैठे हैं? वार्डों के कोई काम नहीं हो रहे, परेशान है जनता। जो ठेकेदार काम करने के लिए टेंडर डाल दिए वो काम चालू नहीं कर रहे हैं। मोटर है तो मोटर एक महीने से खराब पड़ी है, जनता एक एक कट्टी लेके घूमती फिर रही है। आज एक महीना हो गया पानी नहीं है, सर्दियों में परेशान है। अध्यक्ष भी अभी की पार्टी की अध्यक्ष है तो बोल तो गई जनता से, एक आध दिन में हो जाएगी। ठेकेदार हटा दिया, दूसरा नया कर दिया, ये चल रहा है उनका। और जो कांग्रेस के पार्षद थे वो विरोध में खड़े थे कल, आज उनके साथ सेटिंग हो गई, ठेके हो गए तो उनके साथ खड़े हो गए, आज उनके चैम्बर में बैठे हैं जाके। हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ा है क्योंकि हमारे तो बाढ़ का ही काम शुरू नहीं कर रहे। ये भी कहना है कि आपके द्वारा उनको कोई आवेदन और कोई शिकायत लिखी गई है बाढ़ की? क्यों, किससे कहा जाता है? सचिन चौहान जी को पता है, रामवीर शर्मा जी को पता है, सीएमओ साहब को फोन लगाओ तो वो उठाते नहीं है, अब किससे कहें जाके। नगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार रहता है ना, तो सीएमओ साहब को एचआई सबको पता है कि मोटर है खराब पड़ी है, एक एक महीने से जनता परेशान है। अभी इन लोगों ने बोला तो उनने बोल दिया एक अभी एक आध दिन में हो जाएंगी, ऐसा तो हम रोज ही बोल रहे हैं। हो रही है क्या? रोड के लिए भूमि पूजन करके अध्यक्ष साहब खुद पूजा करके आई थी रोड पे, आज तक कोई ठेकेदार से कहो तो हमारा कमीशन नहीं मिल रहा, हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, हमें पैसे नहीं है तो हम रोड कहाँ से चालू कर। कौन बोलता है कमीशन? ठेकेदार। ठेकेदार का कहना ये है मेरा पेमेंट करा दो, जो पुरानी रोडों का जो वार्डों में दूसरों में कराए, मेरे वार्ड में कमीशन नगर पालिका मांग रही है। अब जो जिम्मेदार नगर पालिका में है वो मांग रहे हैं, और हम लोग इसके लिए ठेकेदारी करते नहीं है नगर पालिका में, ना ही किसी से कि भैया हमें कमीशन चाहिए। इसलिए हम तो जनता को लेके आए कि भैया काम चालू कर दो, मैं घर चली जाऊंगी। अगर काम नहीं चालू होता है तो आपको? नहीं, मैं नहीं चाहूंगी, मैं यहीं बैठूंगी। हाँ, क्योंकि इन लोगों की परेशानी है, आज 10 साल से रोड का इतनी बुरी हालत डली है कि वो चल नहीं पा रहे लोग बाग। तो हम धरने पे बैठे हैं ना, नहीं उठ रहे यहाँ से, मेरे यहाँ पहुँच नहीं, मैं तो मैं क्या करूँ, मैं पुलिस वाले बुला लिए कि कहीं है ना हंगामा ना, हम तो अपनी मांग करने आए हैं, कोई लड़ने थोड़ी ना, धमकाने के लिए यही कि जे ज्यादा ना बोले, तो हम तो चुप बैठे हैं, हम तो अपने काम की मांग कर रहे हैं, हम थोड़ी ना लड़ने आए किसी से। महिलाओं के साथ मुख्य द्वार पर बैठी हैं, क्या कुछ मामला है पूरा, क्या इनकी समस्या है? भैया वो बता रही हैं कि उनकी मोटर खराब है, तो अगर मोटर खराब है तो मुझे बताना चाहिए या सीएमओ को बताना चाहिए या संबंधित ठेकेदार को बताना चाहिए। जब पता ही नहीं चलेगा कि मोटर खराब है तो कैसे ठीक करेंगे। फिर भी मुझे जैसे ही अभी पता चला तो मैंने कहा भैया शाम तक तुम्हारी मोटर सही हो जाएगी। सड़कों की भी समस्या बता रही, 4 बार एक सड़क का बोल, सड़क की समस्या है, अब वो ठेकेदार गलत आ जाती है, नहीं काम करती तो उनको उन पे कार्रवाई करेंगे और आगे दोबारा टेंडर करेंगे। मुख्य तौर पर प्रशासन नगर पालिका प्रशासन पर उन्होंने अपनी लापरवाही ठोकी है, तो ऐसे में क्या लगता है कि ठेकेदार के खिलाफ आप उचित कार्रवाई करेंगे? ठेकेदार पे तो हमने कार्रवाई कर दी, तो आगे क्या समाधान है उनकी समस्याओं? यही है, हम जो ठेकेदार काम नहीं कर रहे उनको ब्लैक लिस्ट करेंगे, दोबारा टेंडर करेंगे। तो अभी भी उनका धरना प्रदर्शन बरकरार जारी है, तो अभी तक उनको शांति नहीं मिली है, मतलब कोई आपने आश्वासन नहीं दिया है? मैंने आश्वासन दे दिया कि मोटर शाम तक सही हो जाएगी और ठेकेदारों पे कार्रवाई करके दोबारा टेंडर कर देंगे। फिर भी अभी वो बैठी हुई है उसके कारण, अभी मुझे भी पता चली जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।